हे दालोबेज हव वो यू ऑल कैसी है मेरी लवीज़ आदमी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना चलिए चेक करते हैं आज की कारंट एनर्जीज आज है मंगलवार का दिन आज है हनुमान जी बब्बा का दिन देखते हैं कि आज वो हमारे लिए क्या एक संकेत लेकर आए हैं क्या हमें बताना चाहते हैं कौन सी दिल की बात वो हमसे बोलना चाहते हैं चेक करेंगे आज की रीडिंग्स अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मैं रोज़ चैनल पर तीन वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ मॉर्निंग टेन टेन आफ्टरनून ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेल पी एम, और रात को आठ बज के आठ मिनट तक सुबह के दोनों वीडियोस मेक श्योर sure मैं कोशिश करती हूँ कि टारो रीडिंग्स के हूँ और रात को कोई रेमेडी रिचुअल लेकर आती हूँ बिल्कुल भी ना भूलें हमारा प्रदोष आने वाला है प्रदोष का रिचुअल ज़रूर करना है जो हमारी अब रीडिंग्स आने वाली हैं वो प्रदोष से रिलेटेड होगी तो आप उसको बिल्कुल भी ना मिस करें चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स चेक करेंगे कारंट एनर्जीज़ प्रदोष वाले दिन कौन सा रिचुअल करना है उसका वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएँ आज की कारंट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें और बताएं करंट एनर्जीज़ हनुमान जी बब्बा हमें गाइड करें और बताएं आज की करंट एनर्जीज फ़ाइव कार्ड्स मैं ओपन करूँगी टोटल फाइव कार्ड्स आई एम गोइंग टू to... फाइव कार्ड्स मैं निकालने वाली हूँ और देखते हैं कि भगवान हमें क्या एक संकेत क्या एक मैसेज चीज़ों को लेके देना चाहते हैं चीज़ों को लेके बताना चाहते हैं फाइव कार्ड्स के थ्रू गाइड करें फाइव कार्ड्स के थ्रू गाइड करें पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं पहला कार्ड आया है एस ऑफ वनस का वेरी पॉजिटिव फोर ऑफ़ सोट्स का नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ सोट्स ओके द स्टार का कार्ड आया है वी हैव क्वीन ऑफ सोट्स अरे वाह किंग भी साथ है क्वीन भी आज साथ आई हुई हैं वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन और बॉटम डेक जो हमारे पास है वी हैव द टावर का कार्ड है ओके okay. तो आज का दिन थोड़ा अवेयर रहना है आज के दिन थोड़ा चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि देखना है हमें डिवाइन हमें क्या एक इंडिकेशन क्या एक मैसेज देना चाह रही हैं ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में आज के दिन ना मुझे एक शुरुआत नज़र आ रही है एक अच्छी बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है बहुत सारे लोग लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें सोच रखी हैं उसको लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखी है आज ये तीनों कार्ड का इंडिकेशन मुझे बड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है और ये बताना चाह रहा है कि किसी प्रकार की बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है और ये दो तो कार्ड्स का इंडिकेशन बोल रहा है बहुत समय से जो आप चाह रहे हैं सोच रहे हैं डिवाइन इस चेंज पर आप वर्क करने वाले हैं पास्ट में या आ कुछ समय पहले आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे कुछ चीज़ें एकदम ड्रास्टिकली आपकी लाइफ में चेंज हुई हैं ड्रास्टिकली ख़राब हुई हैं जिसको लेकर आपने बहुत परेशानी फेस करी है तो आज मुझे ऐसा लगता है किसी के साथ किसी प्रकार का लॉस हो सकता है इससे आप अवेयर रहें अब वो लॉस कम्युनिकेशन के बेसिस पर हो सकता है बिज़नेस में हो सकता है आज के दिन इस चीज़ को लेकर ज़्यादा ध्यान दें आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसमें ना एक होप मुझे नज़र आ रही है कि नो मैटर पास में जो सारी चीज़ें खराब हुई हैं गलत हुई हैं फिर से एक अच्छा इंडिकेशन मुझे दिख रहा है हो सकता है कोई ना कोई आपकी लाइफ में आज आज एक अनएक्सपेक्टेड गाइडर बनकर आए कोई आपके अनएक्सपेक्टेड हेल्प करने की कोशिश करे वो आपकी फ़ैमिली के हो सकते हैं वो आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं किसी प्रकार से वो मेल भी हो सकता है फीमेल पर्सन भी हो सकता है एक हेल्प मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा यू नो दिख रही है अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं ना कहीं से आपकी हेल्प हो सकती है रिलेशनशिप्स के लिए अगर बात करूँ मैं तो कोशिश करें कि पार्टनर के साथ क्लियर ओपन कम्युनिकेशन रखें क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज़ को देख ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस तो इनके अंदर है चीज़ें सोच भी है बहुत रहे हैं लेकिन ना किसी बात को लेकर दिमाग में एक नेगेटिव पिक्चर बनी हुई है तो आप कितनी भी कोशिश करें अगर एक ओपन कम्युनिकेशन रखोगे तो आने वाली लाइफ आने वाला रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो सकता है और मैं आपको ये चीज़ बहुत पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी के साथ बोल सकती हूँ कि जो चीज़ें आपने एक माइंड में पिक्चर को देखकर या माइंड में पिक्चर बना रखी है कि अभी एक नई शुरुआत में मैं ऐसा करूँगी या मैं ऐसे करूँगी मैं इस चीज़ पर ध्यान दूँगा या मैं इस चीज़ पर ध्यान दूंगी वो संकेत बहुत ही मुझे अच्छा इंडिकेट कर रहा है मतलब अगर मैं दिल से बोलूँ ना तो कोई मैसिव चेंज आज मुझे आपके लिए दिख रहा है कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए एक भगवान

अनवांटेड ना फाइटिंग या किसी प्रकार का ना सामने वाली पार्टी लॉस करने की कोशिश करेगी तो प्यार से ब्यूटीफुली के साथ भगवान का नाम ज़्यादा जापें ताकि इन सारी नेगेटिव एनर्जी से अपन दूर रहें और नई चीज़ों पर फोकस करें बट मेरे सामने जो पिक्चर आ रही है उसको देखकर मैं क्लियरली बोल सकती हूँ क्योंकि एक कार्ड नहीं दो कार्ड नहीं तीन कार्ड्स का इंडिकेशन क्लियर आ रहा है आज किसी बहुत बड़ी नई संकेत की तरफ किसी बहुत बड़ी नई चीज़ की तरफ आप पहुँचने वाले हो और ये चीज़ वही होने वाली है जिसका आपने

ऐसा नहीं होना चाहिए पता है उस टाइम पे क्या करना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ शांत रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एकदम ना मुंह बंद रख के रहना चाहिए इसलिए रहना चाहिए क्योंकि अगर हमारी किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन हुई है अगर हम उस चीज़ के लिए लड़ेंगे पीछे भागेंगे चीज़ें और ख़राब होती जाती है और जो हम डिज़ायर कर रहे हैं ऑन द स्पॉट देखो वैसा तो होगा नहीं बल्कि हम उसको लेके और ज़्यादा नेगेटिव और ज़्यादा परेशान होते हैं तो ये मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा मंत्रा है नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज़ एक दो घंटे ना बॉडी चीज़ों को भी एक्सेप्ट करती है बॉडी भी चीज़ों को लेने की कोशिश करती है कभी कभार बॉडी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है माइंड जो को एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो एग्जाइटी होने लग जाती है रोना आने लग जाता है नेगेटिविटी फील होती है सो so, आपका मेजर कंसर्न ये होना चाहिए कि आपकी एनर्जी खराब ना हो सामने वाला आपको दो बातें बोलेगा चार बातें बोलेगा आपकी एनर्जी और ज़्यादा ख़राब हो रही है सो ऑलवेज़ रिमेंबर दिस कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है कुछ चीज़ों को लेके नेगेटिव फील हो रहा है अपनी एनर्जी को इतना सेव रखें कि सामने वाला आपकी एनर्जी को बिल्कुल नेगेटिव ना कर पाए भंग ना कर पाए तो सामने वाला जो बोल रहा है जैसा बोल रहा है लेट इट बी यू हैव टू सेव योर एनर्जी ताकि आने वाले टाइम में जो संकेत यूनिवर्स हमें दे रहे हैं भली वो कुछ नेगेटिव क्यों ना हो लेकिन वो हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन सिखाने वाला है रिलेशनशिप की लाइफ में आज थोड़ा अवेयर रहें क्योंकि किसी प्रकार से कम्युनिकेशन हो सकता है किसी प्रकार से बातचीत होने की कोशिश कर सकता है सामने वाला पार्टी इसको थोड़ा अवेयर रहे डेस्पिरेशन ना दिखाएं अपने अंदर की पॉजिटिव मैने में चीजों को डील करोगे तो नए इंडिकेशन की तरफ अपना अपने आप पहुँचना स्टार्ट करने वाले हो सो so, आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये मुझे समझ में आया है हनुमान जी से हम सब प्रे करेंगे उनसे प्रार्थना करेंगे आने वाला दिन हमारा बहुत शुभ हो आज मंगलवार का दिन है हमारे हर काम बहुत ही अच्छे से मंगल हो जाएं और आने वाले समय में हम ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंजेस देखना स्टार्ट कर दें सो so, आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं रीडिंग्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अपना सपोर्ट और प्यार ज़रूर दें मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे राधे राधे